अबे ओ हट हमारी गाड़ी से। अरे हनी आंशी तुम दोनों यहाँ कैसे? अरे ज्योति तू? हनी कौन है? ये तुषार, ये हमारे साथ ना कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो सब छोड़ो ना, तुम ये बताओ कि कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। अच्छा अपने पति का वेट कर रही है, तो तेरा पति कैसे आ रहा है, बस से या फिर ऑटो रिक्शा से? अरे नहीं नहीं वो तो, अरे नहीं नहीं मैं बताती हूँ, इसका पति ना जरूर बस से आ रहा होगा, लेकिन हमारे सामने लंबी लंबी फेंकने के लिए ना ये हमसे यही कहेगी कि इसका पति गाड़ी से आ रहा होगा, लेकिन हमें हकीकत पता है कि इसका पति ना बस से या फिर ऑटो रिक्शा से आ रहा होगा। अरे यार भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? देख ज्योति पहले तो तू मेरी गाड़ी से हट जा। देख मेरी गाड़ी ना बहुत ज्यादा महंगी है, अगर इसमें स्क्रैच आ गया ना तो तू अफोर्ड नहीं कर पाएगी पैसे। अरे हनी कैसी बात कर रही हो तुम, खैर छोड़ो ये गाड़ी तुम्हारी है, कंग्रेचुलेशन। अरे बस बस मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं तुझसे हाथ मिलाऊंगी, और वैसे भी ये गाड़ी ना मेरी है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड गिफ्ट किया है। हाँ मैं तुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना तो भूल ही गई, एक सेकंड, मीट माय बॉयफ्रेंड तुषार। और तुझे पता है मेरे बॉयफ्रेंड ने जो मुझे गाड़ी दिलवाई है ना वो पूरे 22 लाख की गाड़ी है। इतने सारे पैसे तूने कभी अपने सपनों में भी देखे हैं? नाइस, वैसे गाड़ी ना सच में तुम्हारी बहुत अच्छी। देख रही है हनी कॉलेज में कितने अच्छे से रहती थी ये, और सारे लड़के इसके पीछे घूमते थे, सब इसकी तारीफ करते रहते थे, इसकी आंखें इसके बाल सब कितना अच्छा, इसकी ड्रेसिंग सेंस भी कितनी अच्छी थी, लेकिन अब देख रही है पर टीचर बन के घूम रही है। और यार ये क्या बोलती थी, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए हर जगह से, अब देख ले पर टीचरों की तरह ही घूम रही है। हाँ आंशी तू बिल्कुल ठीक बोल रही है, ये बोलती थी ना कॉलेज में कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, देखना कितनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, इसका पति रिक्शे से आ रहा होगा। अरे हनी तुम ना बिल्कुल गलत समझ रही हो, जैसे तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी सारी ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं, वो ना लाखों में एक है। लाखों में क्यों, करोड़ों में एक है, देख रही है कैसे वेट करा रहा है इसको, ऐसा लग रहा है जैसे आंटी खड़ी हुई है, साड़ी पहना के ऐसे रोड पे खड़ा कर दिया है, करती रहेगी वेट एक दो घंटे तक। और नहीं तो क्या आंशी, अब मेरे बॉयफ्रेंड को देख ले, मैं जो बोलती हूँ वो करता है, हमेशा मेरे साथ रहता है, मुझे जो चाहिए होता है ना टाइम से पहले लाके देता है, इतना प्यार करता है मुझसे। और ज्योति तुझे एक बात बताऊं, बॉयफ्रेंड का ना प्यार ही जरूरी नहीं होता, उसका अमीर होना भी बहुत जरूरी होता है। अरे यार हनी ये नहीं समझेगी, इसके पास तो पैसा ही नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों, भला मैं क्यों प्यार की बातें करूंगी, प्यार की बातें तो वो करता है ना जिसे प्यार ही नसीब नहीं होता, और मैंने तो बताया कि मेरे हस्बैंड मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, और सिर्फ वो ही नहीं उनके घर वाले भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं वो लोग मेरा। अरे बस कर ज्योति, मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, अरे जिनके पास पैसे नहीं होते ना वो यही सब ज्ञान देते हैं प्यार व्यार एंड ऑल, प्यार व्यार ना कुछ भी नहीं होता, इन रियलिटी पैसा ही सब कुछ होता है। अरे यार हनी इनको क्या ही पता होगा, इनकी कोई औकात है क्या? इनकी तो औकात ये भी नहीं है कि हमारे सामने खड़े हो सके। तुम्हें पता है हम एक दिन का कितना कमाते हैं? पूरे 1 लाख रुपए, कभी देखे भी नहीं होंगे इन्होंने। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दिन का इतना कमा लेते हो, नाइस, मैं तुम दोनों के बारे में जान के ना बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बताओ ना कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? हनी तुम्हें तो मालूम है ना कि कॉलेज में मेरा कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो मुझसे प्यार करे, इसलिए जैसे वो मेरी लाइफ में आए मैंने शादी कर ली उनसे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी जल्दी शादी कर लो ना, कब कर रहे हो शादी? ओ प्लीज ज्योति अगर मुझे इसे शादी करनी होगी ना तो मैं कर लूंगी, तू मुझे मत बता कि मुझे इसे शादी कब करनी और कब नहीं, समझी तू? ज्योति यार ये तूने क्या हाल बना रखा है, फटीचर सी साड़ी बहन जियो वाला लुक कैसी लग रही है, गरीब सी। हाँ और इसे लगता है कि इससे इंस्पायर होके मैं शादी कर लूंगी, अगर शादी होने के बाद ना हाल तेरे जैसा होने वाला है तो भाई मैं तो शादी नहीं करूंगी। यार नहीं कैसी बात कर रही हो तुम, क्या प्रॉब्लम है भला इस साड़ी में, इतनी तो अच्छी लग रही है ये साड़ी। यार ज्योति कॉलेज के जितने लड़के तुझे पसंद करते थे ना सारे रिग्रेट करेंगे कि वो किसे पसंद करते थे और कैसी पसंद थी उनकी, वो भी क्या दिन थे, कॉलेज में हम इससे चिढ़ते थे क्योंकि हमसे बेटर थी, और अब हमसे चिढ़ रही है ये। अरे हनी तुम भी किसके सामने बहस कर रही हो, हम कहाँ और ये कहाँ। क्या बोला तुम दोनों ने, तुम दोनों कॉलेज टाइम में मुझसे जलती थी, मुझसे चिढ़ती थी सीरियसली, और मैं क्या सोचती थी, तुम दोनों तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरे बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकती। अच्छा ही हुआ कि आज मुझे तुम दोनों की सच्चाई पता चल गई, वरना मैं तो हमेशा यही सोचा करती थी मेरी दो दोस्त है जो सबसे अच्छी है, जो मुझसे बहुत प्यार करती है। और क्या कहा था तुमने कि वो लड़के आज रिग्रेट कर रहे होंगे जो कॉलेज टाइम में मेरे पीछे घुमा करते थे, मुझे अपनी क्रश समझते थे। देखो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज वो लोग क्या सोचते होंगे और क्या नहीं, क्योंकि मैं ना अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं, समझे तुम दोनों। अच्छे से पता है कि तेरा पति ना महीने का कितना कमाता होगा, 8,000 रुपए
चल ज्यादा से ज्यादा मान के चलते हैं 10,000 रुपए, इससे ज्यादा की ना औकात नहीं है तेरी ना तेरे पति की। तुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड कितना कमाता है? महीने का पूरा 1,00,000 रुपए कमाता है। इतने सारे पैसे तूने सपने में भी देखे हैं? हनी यार पता है मुझे क्या लगता है, इसका पति ना दिहाड़ी पे काम करता होगा, दिन के 200-300 रुपए मिल जाते होंगे। अब जैसा कि मैंने तुझे बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड एक दिन का पूरे 1,00,000 रुपए कमाता है, तो इतनी महंगी गाड़ी तो बनती ही है। और तो और ऐसी 50 गाड़ियां ना हमारे घर पे खड़ी हुई हैं। लेकिन मैं भी बेवकूफ हूँ, ये सारी बातें तुझे क्यों बता रही हूँ? तूने तो अपने सपने में गाड़ी तो दूर की बात है, साइकिल भी बड़ी मुश्किल से देखी होगी। अच्छा 1,00,000 रुपए पर डे का कमाने वाले के पास इतनी सस्ती सी गाड़ी? सीरियसली क्या, छोड़ो मुझे क्या, तुम सब आपस में खुश हो तो मैं होती कौन हूँ बोलने वाली। लेकिन एक बात बताऊँ सच सच, मुझे ना बहुत बुरा लगा आज ये जान के कि तुम दोनों ना मुझसे चिढ़ती थी। मैंने तो हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहे, तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचा है, लेकिन तुम दोनों मेरे बारे में इतना बुरा सोचती थी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और एक बात बोलूँ, आज तुम दोनों को ऐसा देख के ना बुरा भी लग रहा है। तुम दोनों जैसे पहले थी ना वैसे की वैसी हो, बिल्कुल भी नहीं बदली हो। पहले भी अमीर बॉयफ्रेंड बनाती थी, उसके पैसे पे ऐश करती थी, और आज भी ना एक अमीर बॉयफ्रेंड पटाके उसके पैसों पे ऐश कर रही हो। काश अपने दम पे तुम दोनों ने कुछ कर लिया होता, अपने पैरों पे खड़ी होती, प्राउडली बोल पा रही होती कि ये जितना कुछ है ना हमारे पास वो सब हमारे पैसों का है। खैर मुझे क्या, तुम दोनों खुश हो तो मैं होती कौन हूँ बोलने वाली। ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी गाड़ी की इंसल्ट करने की? तुम्हें पता भी है कितने की है? पूरे 22,00,000 रुपए की है, टॉप का मॉडल है, अभी देखा भी है जिंदगी में? अरे खुद तो अपने हस्बैंड के पैसों पे उछल रही है और हमें ठोस दिखा रही है। एक्सक्यूज मी, हस्बैंड है वो मेरे, उनके पैसों पे, उनके परिवार पे, हर एक चीज में मेरा हक है। तुम अपना मुंह बंद रखो, बॉयफ्रेंड हो तुम इसके, तुम्हारा कोई हक नहीं है बोलने का बीच में, समझे तुम? और तुम दोनों क्या बोल रही थी ये क्या, ये साड़ी हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है? तुम्हें क्या लगता है थोड़ा सा पढ़ लिख जाने के बाद, वेस्टर्न कपड़े पहन लेने के बाद अपने आप को क्या समझती हो तुम? अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी वैल्यूज को भूलती जा रही हो। तुम कहाँ रहती हो, इंडिया में ही रहती हो ना या फिर किसी दूसरे देश में रहती हो? तुम्हें मालूम नहीं है ये साड़ी सूट हमारे देश की सभ्यता और संस्कार है, और मुझे ना इसे पहनते हुए कोई शर्म नहीं आ रही, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है इसे पहनते हुए, और ये मेरी पर्सनल चॉइस है मैं इसे पहनूं या ना पहनूं। तुम होती कौन हो मेरे कपड़ों पे कमेंट करने वाली? अरे बाहर के देश के लोग हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं और अपने देश के होने के बावजूद हम उस पे उंगली उठा रहे हैं, क्या यही हमारे वैल्यूज है? यही होते पढ़े लिखे लोग? मुझे लगता है ना वेस्टर्न कपड़ों के साथ साथ तुमने अपने दिमाग में ना वेस्टर्न सोच को भी बैठा लिया है, इसलिए ना तुम्हें मैनर्स नहीं है किससे कैसे बात की जाती है। अरे इतने पुराने दोस्त से तुम आज मिले हो, उससे हेलो हाय करने की बजाय उससे उल्टा सीधा सुना रहे हो, उसकी इंसल्ट कर रहे हो। ना ही तुम कभी अच्छे दोस्त बन सकते हो, ना ही कभी एक अच्छे नागरिक। अरे इसे देखो तो सही, महीने के 8-10,000 रुपए कमाने वाले लोग हमें संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान देंगे। अरे जा जाके पहले ना ड्रेसिंग सेंस सीख। अरे तूने खुद तो कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं और तू हमें पाठ पढ़ाएगी? सभ्यता और संस्कृति की बातें ना तू हमें मत बता, आई कहीं की गाँव की गवार। मैं किसी को सभ्यता संस्कृति का ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि ये साड़ी ना मेरी खुद की चॉइस है, मुझे इसे पहनने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया, ना ही मेरे हस्बैंड ने, ना ही मेरे इन-लॉज ने। और वैसे भी ना मेरे इन-लॉज यहाँ के बहुत ही रेप्यूटेड लोग हैं, हमें तमीज से बात करनी लोगों से आती है और तमीज से कपड़े पहनने भी आते हैं, हम तुम लोगों की तरह मैनर्स लेस नहीं है, समझे? खैर मैं तुम दोनों को बता ही क्यों रही हूँ, तुम दोनों के अंदर तो सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो चुकी है। अच्छा तो तुम्हारे यहाँ बड़ा परिवार उसको बोलते हैं जो महीने का 10-20,000 रुपए कमाता है? चले ज्योति। देख हनी आगे इसका पति दिहाड़ी मजदूरी करके कितने कमाए दिन के, 200 या 300? देखो इतनी देर से तुम दोनों मुझे सुनाई जा रही थी, मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी, सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, समझी? कौन है ये जो तुमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है? ये दोनों मेरे कॉलेज फ्रेंड हुआ करती थी, मैं तो इन्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन ये इन्होंने आज मुझे बताया कि ये दोनों मुझसे जला करती थी। अरे इन्हें इतनी सी भी मैनर्स नहीं है कि अपने इतने पुराने दोस्त से जब आज मिली है तो उससे ढंग से बात कर ले। मुझे पता नहीं क्या कुछ नहीं सुनाई जा रही थी, मेरी इंसल्ट कर रही थी, और जो मैंने साड़ी पहनी है ना उन्हें लग रहा है कि ये गवार लोग पहनते हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यता को तो जैसे ये भूल ही चुके हैं। वेस्टर्न कल्चर इनके दिमाग पे ऐसे पागलों की तरह चढ़ गया है ना कि इनको लोगों से बात करने की तमीज तक नहीं है। अरे आंशी मुझे लगता है ज्योति की ना पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि एक बार इसके पति को तो देख, इसकी शक्ल देख, शक्ल से गवार लगता है, और खुद तो ये गवार है ही, इसने ज्योति को भी गवार ही बना दिया अपने साथ साथ। ज्योति तेरे लिए ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तू कॉलेज में कितनी अच्छी लगती थी, लेकिन आज तेरी हालत देख के ना सच में मुझे बहुत रोना आ रहा है। बेचारी इसने कॉलेज टाइम पे कितने बड़े बड़े सपने देखे थे ना कि मैं शादी के बाद ये करूंगी वो करूंगी, अब देखो ना इस बेचारी को शादी होने के बाद क्या कर रही है, घर की बहू बन के रह गई है। अब ना ये सबके ऑर्डर मानती होगी, ससुर बोलता होगा जाके बहू चाय लेके, सास बोलती होगी जाके खाना बना, ये कर वो कर,
अरे बेचारी, मुझे बहुत तरस आ रहा है इसके ऊपर। जय हिंद मैडम। एक सेकंड सर, आप इस गवार और भेंजी टाइप दिखने वाली लड़की को मैम क्यों बोल रहे हैं? अरे तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये यहाँ के आईएएस ऑफिसर की बीवी है, थोड़ा तमीज से बात करो। क्या ये यहाँ के आईएएस ऑफिसर की वाइफ है? हाँ बिल्कुल सही सुना तुम तीनों ने, मैं यहाँ के आईएएस ऑफिसर की वाइफ। मेरे हस्बैंड बहुत ही नामी है, बहुत रेपुटेड है, एंड इवन जो मेरे इन लॉज है, मेरे फादर इन लॉ यहाँ के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हीं के साथ में उनके बिजनेस में काम करती हूँ। बहुत सारी गाड़ियां हैं हमारे पास, बंगलो है, बहुत पैसा है, लेकिन हम लोग ना तुम लोगों की तरह शो ऑफ करना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग बहुत ग्राउंडेड है, क्योंकि हम ये मानते हैं जो अमीर लोग होते हैं ना, वो दिल से अमीर होते हैं, सोच से अमीर होते हैं, ये दिखावा करके अमीर नहीं होते हैं। क्या हुआ, जान के शौक लगा क्या तुम्हें? लगना भी चाहिए, तुमने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ना मुझे इस हालत में देखकर। अब तुम लोगों के बात करने के तरीके बदल गए, हाव भाव बदल गए, क्योंकि तुम्हें जैसे पता चला कि मैं एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे थे, मेरी इतनी इंसल्ट कर रहे थे, मेरे कपड़ों की इंसल्ट कर रहे थे, मुझ पर कॉमेंट कर रहे थे, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे मैं तो ये सोच रही हूँ ऐसे राह चलते किसी भी आम इंसान की तुम किस तरीके से इंसल्ट कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज है या नहीं है? तुम्हें जरा से भी मैनर्स नहीं है, किसी इंसान का कितना ज्यादा दिल दुखेगा, उसको कितना ज्यादा बुरा लगेगा। तुम लोग बस अपने पैसे को धौस दिखाना जानते हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है सामने वाले को बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है। खैर छोड़ो, क्या बोलूं मैं तुम लोगों को, तुम लोग जैसे पहले थे ना पैसे के वैसे ही हो अभी तक। काश तुम लोगों ने थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लिया होता, थोड़ा सुधर गई होती, इंसान की वैल्यू करना जान गए होते ना, तो आज जिंदगी में कुछ बन चुकी होती। छोड़ो, मुझे जो समझाना था मैं वो समझा चुकी हूँ। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आई हो तो ऊपर वाले के भरोसे। चले मैडम।